हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेबी कॉर्न मसाला करी। ये झटपट बनने वाली इजी और सिंपल रेसिपी है। इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करने रखेंगे और ये गरम होने के बाद इसमें ये बेबी कॉर्न हम फ्राई करेंगे। इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। इन्हें हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये सभी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। बेबी कॉर्न वैसे ही काफ़ी नरम नरम रहते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बना लेंगे, इसके लिए कढ़ाई में 3 चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/4 चम्मच राई डालेंगे, उसके बाद 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, अब हम 1/4 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 प्याज को बारीक बारीक काट के और फिर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी मिक्सर में पेस्ट भी बना सकते हैं। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टमाटर की प्यूरी बना के डालेंगे। ये प्यूरी लगभग 1/2 कप है। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। ये प्यूरी अच्छी तरह से पकने के बाद अब हम इसमें हींग मिलाएंगे और उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, इसके बाद 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप काजू की पेस्ट डालेंगे। काजू की पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 काजू लिए थे और उनमें दूध मिलाकर मिक्सर में पेस्ट बना ली थी। अब इस पेस्ट को इस ग्रेवी के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई। इसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए 1/4 कप पानी डालेंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये अच्छी तरह पकने के बाद इसमें 1/4 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके लिए हम इसे 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। ये देखिए, ये ग्रेवी अच्छी तरह से भी है। अब हमने जो बेबी कॉर्न फ्राई करके रखे थे वो इसमें मिला देंगे और इन्हें अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स करेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए ये कितनी टेस्टी दिख रही है, तो आप भी इसे जल्दी से बनाइए और कैसी बनी मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।